नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा YouTube चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं AMW2518TP का पंप टाइमिंग कैसा सेट करते हैं और पंप कैसा फिटिंग करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये टाटा कमिंस BS3 इंजन है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इंजन के पास और सबसे पहले हम इंजन का टाइमिंग सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले से इंजन घुमा कर रखा है, तो चलिए देख लेते हैं हमने किस हिसाब से टाइमिंग सेट किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये ब्लैक होल दिख रहा है उसके बीच में पॉइंट, और ये है उसका इंजन लॉक करने की गुल्ली। तो दोस्तों, ये गुल्ली इस पोजीशन पे होना चाहिए कि एकदम से अंदर और बाहर हो जाना चाहिए, मतलब इजीली। ठीक है दोस्तों, अगर टाइट होता है तो उसको एकदम इजीली अंदर बाहर होना चाहिए और लॉक होना चाहिए, इस टाइप से कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, एक नंबर और दो नंबर रॉकर फ्री है, और ये 11 नंबर और 12 नंबर, जिसमें से 11 नंबर जाम है और 12 नंबर फ्री है। ठीक है दोस्तों, इस पोजीशन पे इंजन हमारा एक नंबर और 6 नंबर पिस्टन टॉप पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे, एक नंबर रॉकर और दो नंबर रॉकर फ्री है, 11 नंबर जाम है और 12 नंबर रॉकर फ्री है। तीसरा ये है पंप चाबी कॉलर। तो दोस्तों, इस कॉलर में हमें पंप का जो रोटर शॉफ्ट है, इस रोटर शॉफ्ट में भी एक चाबी का कॉलर दिया हुआ है, इसमें चाबी लगा हुआ है। ये चाबी उस कॉलर में एकदम एग्जैक्टली बैठना चाहिए, और उसके बाद हम उस साइड से नट को लॉक करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पंप बिठा लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी पंप हम फिटिंग करते हैं तो पंप एकदम इजीली बैठ जाना चाहिए। तो इजीली बैठने के लिए सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, इंजन का टाइमिंग। इंजन का टाइमिंग अगर एक्यूरेट है तो पंप एकदम इजीली बैठ जाता है। चलिए देख लेते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पंप हमारा बैठ चुका है। इसके बाद दोस्तों, पंप तो हमारा बैठ चुका, लेकिन एक बार हम सामने से गियर का चाबी बैठा है या नहीं बैठा है, हम वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सामने चलते हैं और देखते हैं इस होल से कि पंप का चाबी एग्जैक्ट अपने जगह पे बैठा है या नहीं बैठा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट बैठा हुआ है चाबी का कॉलर। तो यहाँ से हमारा पंप एक्यूरेट हो चुका है, और पंप के हम तीनों स्टेट के नटों को लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद दोस्तों, हम फिर बताते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों, पंप फिटिंग करते समय दो पॉइंट याद रखें टाइमिंग सेट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो इंजन का टाइमिंग लाने के लिए सबसे पहले इंजन घुमाना पड़ता है, और पंप के नीचे एक गुल्ली होती है, उस गुल्ली को निकाल ले और गियर का जो सेंटर पोजीशन है उस गुल्ली के होल से सेंटर कर ले, सबसे बेस्ट ऑप्शन एक। और दूसरा टाइपिट से, जैसे फर्स्ट और सिक्स पिस्टन टॉप में ले आए, और एक नंबर दो नंबर और 12 नंबर रॉकर फ्री रहता है और 11 नंबर रॉकर टाइट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा पंप टाइट हो चुका है, इसके सारे स्टड हमने टाइट कर दिया है। इसके बाद हम दोस्तों बताते हैं पंप अनलॉक कैसा करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम पंप अनलॉक करने के लिए 10 के स्पेनर से एक 10 नंबर का स्क्रू दिख रहा है, उसको हल्का सा लूज कर लें, और लूज करने के बाद एक छोटी सी पट्टी होती है लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, तो ये पट्टी को उसके बीच में फंसाना पड़ेगा, और इस 10 नंबर के बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पंप अनलॉक हो जाएगा, मतलब लॉक खुल जाएगा।
दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बट इसे भूलना नहीं चाहिए। जैसे ही पंप फिटिंग हो जाता है, उसके बाद इसे पट्टी को बीच में डाल कर उसे टाइट कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे नोजल पाइप कैसा फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले।